आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। साल 2016 तारीख में पनौती दिन के नाम से याद रखा जाएगा। रात 8 बजे मुल्क के प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते हैं और कहते हैं कि पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे, इसके बदले बैंक में 50, 100, 500 और 2000 के नए नोट लेना होगा। मोदी जी का ये बड़ा बयान मानो के हिंदुस्तानियों पर हिरोशिमा और नागासाकी के बम के तरह गिर पड़ा। इनके माइंड में 440 वाट के इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इनके दिमाग झंझला गया और मोदी जी का साल 2000 का ये बड़ा बयान ना जाने कितने लोगों का ऐसे कमर तोड़ा कि लोग अब तक उठ नहीं पाए हैं। इसके बाद जीएसटी और कोरोना ने आज तक लोगों को फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी की इंतहा ये हो गई है कि आज लोग पीएचडी एमबीए की डिग्री लेकर स्विगी जोमैटो ओला उबेर और रैपिडो में कोई खाना डिलीवरी कर रहा है तो कोई बाइक ड्राइवर बना है, कई लोगों ने तो सुसाइड ही कर ली है। मोदी जी के ठीक इसी अंदाज को अब कोलकाता कारपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने अपना लिया है। कोलकाता कारपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम शाम 4 बजे 3 दिसंबर को सामने आते हैं और हुक्का बार बंद करने का ऐलान करते हैं। मेयर फिरहाद हकीम के इस ऐलान के बाद कई एक हुक्का बार में छापेमारी भी की गई जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी है। जानकारी के मुताबिक सिटी ऑफ जॉय में तकरीबन 976 यानी 976 हुक्का बार मौजूद हैं, जिसमें एक हुक्का बार में मिनिमम 10 से 12 स्टाफ काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे भी बड़े बड़े पार्लर है जहाँ 20 से 25 कहीं कहीं 30 स्टाफ भी रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिनकी आमदनी से इनके घर में चूल्हा जलता है और इन्हें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। ऐसे में अगर ये पार्लर बंद होता है तो तकरीबन 10,000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर कोलकाता में गैर कानूनी तौर पर भी हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए भी रोजगार फराहम किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोलकाता कारपोरेशन क्या इन युवाओं को रोजगार फराहम करेगी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन ऐसे हुक्का पार्लर पर छापेमारी क्यों नहीं करती जहां नशीली चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सिगरेट और शराब, टोबाको, गुटखा जैसे नशीली चीजों पर भी पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है, जबकि सिगरेट के डब्बे पर साफ साफ लिखा होता है कि सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ। क्या शराब हानिकारक नहीं है? क्या गुटखा और टोबाको जैसी चीजें जिस्म इंसानी जिस्म के लिए हानिकारक साबित नहीं हो रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में शराब के बिक्री के फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा सरकार के खाते में गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशीली एशिया की फरोख्त में अच्छे और बुरे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं होती। ये सब लोग भी समाज का हिस्सा हैं और इनकी कमाई से ही इनका घर चलता है। नशीली एशिया के फरोख्त के लिए इन्हें पुलिस और सरकारी नुमाइंदों को रिश्वत देकर अपना काम करवाना पड़ता है। ऐसे में इस ग्रोह में भी माफियाओं की तादाद ज्यादा हो जाती है जो खुद इन कारोबारियों का इस्तेहसाल करते नजर आ रहे हैं।
ऐसे लोग चंद हैं जिनको उस वक्त ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देते हुए भी देखा जा सकता है। इसे इत्तफाक कहें या कुछ और।